नमस्कार, रेसिपी मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज मैं एगलेस केक की बहुत ही इजी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो केक बनाना आजकल बहुत ही आसान हो गया है, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से हम स्पंजी केक घर में बना सकते हैं, वो भी बिना अंडे के। तो आइए देखते हैं कि इस केक को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबा के मेरे वीडियोस को लाइक करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। एक कप मैंने मैदा लिया है, मैदे के 3/4 भाग मैंने दही लिया है, आधा कप मैंने चीनी लिया है, 1 कटोरी मैंने दूध लिया है, 1/4 भाग मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। रिफाइंड की जगह आप बटर या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी टूटी फूटी और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है। ड्राई फ्रूट्स के लिए मैंने यहाँ पे काजू और बादाम लिया है, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, आधा चम्मच मैंने बेकिंग सोडा लिया है, थोड़ा सा मैंने नमक लिया है, 1 चम्मच मैंने वेनीला एसेंस लिया है। तो आइए अब हम इस केक की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा बॉल लेंगे, इसके ऊपर हम एक छलनी रखेंगे, मैदा डाल देंगे, बेकिंग पाउडर डाल देंगे, बेकिंग सोडा भी यहीं पे डाल देंगे, साथ ही साथ नमक डाल देंगे, और डाल के इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे ताकि जो हमारा केक है वो काफ़ी स्मूथ बने। नमक हमारे केक के टेस्ट को बैलेंस करता है, तो आप इसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर डालें। केक बनाते समय एक चीज़ का खास ध्यान रखें कि चीज़ों को नापने के लिए एक ही बर्तन का इस्तेमाल करें, चाहे वो कप या कटोरी हो, क्योंकि केक बनाते समय केक के सामग्रियों का सही अनुपात होना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो केक हमारा सही नहीं बनेगा और उसका जो टेस्ट है वो भी सही नहीं आएगा। सभी चीज़ों को मैंने छान लिया है, अब हम इसे एक तरफ रख देंगे और दूसरे बाउल में हम दही डाल देंगे, साथ ही साथ इसमें हम चीनी डाल देंगे, और डाल के इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि हमारी चीनी अच्छे से घुल ना जाए। दही हमारे केक में अंडे का काम करता है, और केक बनने के बाद कोई ये बता भी नहीं सकता है कि हमने इसमें दही का इस्तेमाल किया है। दही से हमारा केक जो है वो बहुत ही स्पंजी और टेस्टी बनता है। तो इस प्रकार से आप चीनी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, मैंने दही के साथ चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारी चीनी अच्छी से घुल चुकी है, अब हम इसमें रिफाइंड डाल देंगे। रिफाइंड की जगह आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई भी ऑयल का इस्तेमाल हमें नहीं करना है जिसमें स्मेल आता हो, जैसे कि सरसों तेल। अब हम इसमें वेनीला एसेंस डाल देंगे। वेनीला एसेंस से हमारे केक में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। केक में वेनीला एसेंस डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेनीला एसेंस हमारे केक को एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। वेनिला एसेंस की जगह आप कोई और फ्लेवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे लगातार चलाते हुए तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि तेल हमारा सभी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स ना हो जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी हमारा तेल मिश्रण के ऊपर तैर रहा है। तो इस प्रकार से इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम केक बनाने से पहले सबसे पहले केक का सांचा तैयार कर लेते हैं। केक बनाने के लिए आप किसी भी आकार के सांचे का प्रयोग कर सकते हैं, ये आसानी से मार्केट में मिल जाती हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा रिफाइंड डालेंगे और डाल के इसे चारों तरफ अच्छे से लगा लेंगे। इससे जो हमारा केक है वो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाएगा। अब हम इसमें 1 चम्मच मैदा डाल देंगे और डाल के इसे सांचे में चारों तरफ अच्छे से इस प्रकार से फैला लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप मैदे की जगह बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जितना भी एक्स्ट्रा मैदा होगा उसे हम हटा देंगे। ये देखिए, मेरा केक का सांचा तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम केक बनाते हैं तो ड्राई फ्रूट और टूटी फ्रूटी का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो केक में नीचे बैठ जाते हैं। ये सारी चीज़ें केक में नीचे ना बैठें, इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा मैदा डाल के इसकी थोड़ी सी कोटिंग कर लेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब हम मैदे में तैयार किया हुआ दही का मिश्रण डाल देंगे।
और डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करते समय एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि हमें इस मिश्रण को एक ही दिशा में मिलाना है और धीरे धीरे मिलाना है, क्योंकि अगर इस प्रोसेस को हमने बहुत तेजी से किया तो हमारा केक नहीं फूलेगा। इसलिए इस प्रोसेस को करते समय खास ध्यान रखें। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है। ध्यान रखिएगा कि इसे हमें एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। लेकिन हमारा जो मिश्रण है वो अभी काफ़ी गाढ़ा है, तो इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। यहाँ पे मैंने बॉयल दूध का इस्तेमाल किया है, लेकिन दूध नॉर्मल है, गर्म नहीं है। डाल के इसे हल्के हाथों से एक बार और मिक्स कर लेंगे। अगर आपका मिश्रण ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार थोड़ा और दूध इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें तैयार किया हुआ टूटी फूटी डाल देंगे और डाल के इसे भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारे केक का जो मिश्रण है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। अब हम इसे केक के सांचे में डाल देंगे। ध्यान रखिएगा कि केक को बनाने से पहले केक का सांचा पहले से ही तैयार करके रख लें, क्योंकि मिश्रण तैयार करने के बाद इसे हमें ज़्यादा देर नहीं रखना है। अब हम इसे इस प्रकार से टैप कर लेंगे ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी हवा ना रहे और ये मिश्रण चारों तरफ एक समान हो जाए। केक के सांचे में हमें मिश्रण को पूरा नहीं भरना है, क्योंकि केक बनने के बाद काफ़ी फूलता है, तो इसमें थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी टूटी फूटी डाल देंगे, जिससे कि हमारा केक देखने में काफ़ी सुंदर दिखे। टूटी फूटी की जगह आप ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे केक का मिश्रण तैयार हो गया है। केक का मिश्रण तैयार करने के बाद हमें इसे तुरंत बेक करना है, इसलिए जिस बर्तन में हमें केक को बेक करना है उसे पहले ही गर्म कर लें। केक को बनाने के लिए मैंने यहाँ भगोने का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इस केक को कढ़ाई या कुकर में भी बना सकते हैं। भगोने को मैंने 10 मिनट पहले गर्म कर लिया है और नीचे मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। आप चाहें तो इसके ऊपर कटोरी या कटोरी की जगह एक स्टैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम केक के सांचे को इसके ऊपर रख देंगे और इसे ढक के और गैस का आंच मीडियम से लो के बीच में रखेंगे और 30 मिनट तक इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। मैंने इस केक को मीडियम और लो के बीच में 30 मिनट पकाया है और 5 मिनट इसको बिल्कुल धीमी आंच पे पकाया है। और ये देखिए, हमारा केक जो है वो पक के तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक टूथपिक या चाकू की सहायता से चेक कर लेंगे कि हमारा जो केक है वो पूरी तरीके से अच्छे से पका है कि नहीं। ये देखिए, हमारा जो चाकू है वो बिल्कुल क्लीन निकल रहा है। इसका मतलब कि हमारा केक अंदर तक अच्छे से पक गया है। अगर आपका केक बीच में अभी कच्चा है तो आप धीमी आंच पे 5 मिनट और इसे पका लीजिए। अब हम इस केक के बर्तन को भगोने में से निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। केक को हमें सांचे में से ठंडे होने के बाद ही निकालना है, नहीं तो हमारा केक जो है वो टूट जाएगा। केक हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम एक चाकू की सहायता से इसे चारों तरफ से हल्का सा लूज कर लेंगे ताकि हमारा केक आसानी से निकल जाए और इस प्रकार से एक दूसरे प्लेट में इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारा केक कितनी आसानी से बनके तैयार हो गया है। ये देखिए, हमारा कितना स्पंजी बेकरी जैसा केक बनके तैयार हो गया है। और इस केक को खाने के बाद कोई भी ये नहीं बता सकता कि इस केक में आपने दही का इस्तेमाल किया है। तो आप चाहें तो इस केक को इसी प्रकार से काट के सर्व करें, लेकिन मैंने इस केक के ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट की गार्निशिंग कर दी है, तो ये देखने में और ही सुंदर लग रहा है। तो आप जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से केक की सजावट करके इसे सर्व करें। तो इस क्रिसमस पे मेरी इस केक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और मेरी ये केक की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। हमेशा की तरह मेरे वीडियोस को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में। तब तक के लिए बाय बाय।